कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वैगनर मैरिन रीअरेंजमेंट की, जिसमें हम इसके मैकेनिज्म की, इसकी रिएक्शन की और कुछ एक एग्जांपल की यहाँ पे हम बात करेंगे। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन, मींस यहाँ पे सबसे पहले जो वैगनर मैरिन रीअरेंजमेंट है वो होती क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ये जो है वो रिएक्शन वो हमारी एल्कोहल की प्रेजेंस में, मींस हमारी यहाँ पे एल्कोहल हमारा होगा एज ए रिएक्टेंट, उसमें हम दो तीन अराइल अल्काइल को भी ग्रुप यहाँ पे अटैच होंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा यहाँ पे होगा ओल्फिन। मींस ओल्फिन क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड जहाँ पे प्रेजेंट होता है, कि हमारी अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे चार कार्बन की स्ट्रेट चेन ली है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा यहाँ पे एज ए एल्कीन टाइप बनेगा, क्योंकि वहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो वो हमारा यहाँ पे क्या शो करेगा, एक ओल्फिन टाइप का ग्रुप हमारा यहाँ पे शो होगा। अब बात आती है जो हमारा रिएक्टेंट है, जो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस में होगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, एसिड की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। तो कौन सा एसिड हमारा यहाँ पे यूज होगा, वो होगा हमारा यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, मीन H2SO4। रिएक्टेंट क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा एंड देन किसमें कन्वर्ट होगा, हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है इसका मैकेनिज्म और इसकी रिएक्शन वो किस टाइप से होती है। तो हमने यहाँ पे इस चीजों का हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो हमारी इसकी याद करने की जो ट्रिक है, जो हमारी वीडियो के मेन पॉइंट है, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारी चीजों को एक ट्रिक से याद करते हैं। तो हमारी जो ट्रिक यहाँ पे होने वाली है वो कुछ इस टाइप से होगी कि यहाँ पे क्या है, देखिए एल्कोहल हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम पहले जैसे यही बात की आलिया बगैर मीरा आई, बस और कुछ भी नहीं, सिर्फ चार वर्ड आपको याद करना है। सबसे पहले देखिए आलिया से मतलब हमारा यहाँ पे है एल्कोहल, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्कोहल। सेकंड है बगैर, तो इसका मतलब है हमारा जो इस रिएक्शन का नाम है वो, तो बगैर से मतलब है हमारा यहाँ पे वैगनर, बगैर से मतलब है वैगनर, मीरा से मतलब है हमारा मैरविन, जो रिएक्शन है उसका ही नाम, तो यहाँ पे इसका मतलब है हमारी मैरविन, जो हमारी रिएक्शन का नाम है वो। नेक्स्ट आई, आई से मतलब हमारे दो वर्ड लिख रहे हैं, एक आ ई, मींस आई से मतलब हमारा यहाँ पे ए और ई से है। तो यहाँ पे देखिए आई से मतलब ए से हमारा होगा यहाँ पे एसिड, तो यहाँ पे ए से होगा हमारा क्या होगा एसिड, और आई मींस लास्ट में क्या आ रहा है ई, तो यहाँ पे हमारा बन भी क्या रहा है, इन टाइप का ही प्रोडक्ट बन रहा है जहां पे क्या हो रहा है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, इन टाइप की अरेंजमेंट हमारी यहाँ पे आने वाली है। तो ये सारा हमने एक इस लाइन में याद कर रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कोहल है वो किसकी प्रेजेंस में, हमारे एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे इन टाइप का ही हमारा वहां पे प्रोडक्ट मिलेगा, जहां पे मतलब डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन मिलेगी हमारे प्रोडक्ट में। तो मींस हमारा जो रिएक्शन का नाम है वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। अब देखिए हमारी यहाँ पे रिएक्शन किस टाइप से होती है, तो देखिए सबसे पहले होगी रिएक्शन, फिर आपको मैं बताऊंगी कि वो रिएक्शन हुई किस टाइप से है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट क्या होता है, समझना। तो मींस हमारा जो मैकेनिज्म होता है वो हमारा मेन पॉइंट है कि कैसे हमारी ये पूरी रिएक्शन यहाँ पे आई है। तो देखिए यहाँ पे इसकी रिएक्शन किस टाइप से होने वाली है, कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी एल्कोहल लिया है, तो मैंने इस टाइप से कोई भी यहाँ पे दो तीन एल्काइल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच किए हैं, ये हमारा यहाँ पे एल्कोहल है, ठीक है, ये हमारा एल्कोहल है। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैंने फोर कार्बन की चेन ली है, ठीक है, और सेकंड और थर्ड पोजीशन पे हमारे ग्रुप अटैच है, सेकंड पे हमारा एल्कोहल है, थर्ड पोजीशन पे हमारा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा, 3,3-डाइमिथाइल, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे दो CH3 हमारे इस पे अटैच है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पोजीशन पे एल्कोहल है, फोर मेंबर, फोर जो है कार्बन की वो हमारी चेन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटेनॉल।
ये इसका यहाँ पे नाम हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है हमारे प्रेजेंस कि यहाँ पे क्या है H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे आगे जाके क्या करेगा एक्सपोज टू आयन देगा, इसके साथ हमारी रिएक्शन होगी, हमारा प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। तो वो हमारा प्रोडक्ट किस टाइप से होगा, हमारा प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। देखिए इस टाइप से हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो फोर कार्बन की हमने चेन ली थी तो यहाँ पे भी क्या है फोर कार्बन की चेन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, कहाँ पे चेंज कहाँ पे आया है कि यहाँ पे हमारे दो CH3 थे, यहाँ पे हमारा OH था, लेकिन अब क्या हो चुका है यहाँ पे इनकी अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो वो हम समझेंगे मैकेनिज्म से कि ये अरेंजमेंट हमारे यहाँ पे चेंज कैसे हुई। इसका जो नाम है वो हमारा क्या होगा कि हमारे यहाँ पे भी क्या है फोर है, फोर है तो मीन्स ब्यूटेन तो होना ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेकेंड वाली पोजिशन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटीन, और सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे क्या है हमारा मिथाइल है। तो इसका नाम किस टाइप से होगा 2,3-dimethyl। आगे क्या हो जाएगा यहां पे 2-butene, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। अब बात आती है हमारे यहां पे मैकेनिज्म की, तो देखिए हमारा मैकेनिज्म इसका किस टाइप से होने वाला है। नेक्स्ट देखिए अब इसका मैकेनिज्म, तो हमारा मैकेनिज्म जो है वो हमारा इस टाइप से होगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या है ये हमारा इस टाइप से हमने जो ग्रुप है वो हमने लिया था जिसके ऊपर यहाँ पे OH यहाँ पे H यहाँ पे क्या है CH3। अब हमें पता है हमारा एसिड के प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन हो रही थी जो हमने लिया था सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो हमें यहाँ पे क्या देगा H पॉजिटिव आयन देगा, तो वो हमें यहाँ पे मिला H पॉजिटिव आयन। अब यहाँ क्या होने वाला है कि जो हमारा OH मीन जो हमारा एल्कोहल प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या है हमारा O प्रेजेंट है, तो O पे हमारे क्या है लोन पेयर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या करेगा जो ऑक्सीजन है वो अपने यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा, मींस अब जो ऑक्सीजन है वो अटैक करेगा हमारे एस पॉजिटिव आयन पे। इसका मतलब अगर वो अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये क्या करेगा इस पे अटैक करेगा यहाँ पे इस टाइप से। तो नेक्स्ट इससे क्या फॉर्मेशन होने वाली है कि यहाँ पे सेम हमारा इसी टाइप का जो ग्रुप प्रेजेंट था वो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे बात आई है कि अब इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया था, मींस ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी O पे पॉजिटिव, यहाँ पे H एक पहले से था एक H हमारा अभी आया है, तो इसका मतलब OH2। तो यहाँ पे इस टाइप की हमारी फॉर्मेशन हो चुकी है, नीचे हमारा क्या था H और यहाँ पे क्या था हमारा CH3। ठीक है तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा यहाँ पे हमारे ऑक्सीजनियम आयन की फॉर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजनियम से आप याद कर सकते हैं कि ऑक्सीजन पे हमारा चार्ज प्रेजेंट है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है ऑक्सीजनियम आयन जो है वो हमारा यहाँ पे बन चुका है, क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीजनियम आयन। ठीक है तो हमारी इसकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए ये क्या है हमारा ऑक्सीजनियम आयन, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है OH2, तो मींस यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे दो टाइप से काम करेगा, एक फर्स्ट ये हमारा यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा कि यहाँ से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है। ठीक है तो ये क्या करेगा इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेगा, कौन सा इस बॉन्ड को यहाँ से ये ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप को स्टेबल बनाएगा क्योंकि उसके ऊपर क्या क्रिएट है पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से बाहर, इसका मतलब अगर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कार्बन पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किस टाइप से ये बनेगा कि यहाँ पे देखिए ये हमारा ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे ये इस टाइप से, यहाँ पे क्या होने वाला है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ से क्या निकला है हमारा H2O, यहाँ से हमारा वाटर की जो रिमूवल है वो हुई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 पहले से था ये हमारा H, मींस यहाँ पे क्या है हमारे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हमें पता है जो हमारा कार्बोकेटाइन होता है हमारे जो कार्बोकेटाइन होंगे वहां पे वो कौन से स्टेबल ज्यादा होते हैं, तो आपको ये पता है सबसे ज्यादा टर्शरी फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है सबसे ज्यादा है अगर हमारा
प्राइमरी बन रहा है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है सेकेंडरी में, अगर सेकेंडरी बन रहा है तो उसको आपको कन्वर्ट करना है टर्शरी में, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट स्टेबल की ही फॉर्मेशन करनी है। तो यहाँ पे आप इसको कन्वर्ट करोगे कैसे, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे साइड वाले पे ग्रुप अटैच है मीन्स वहां पे क्या होगा, वो माइग्रेशन शो करेगा। तो इसमें मतलब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने वाला है, 1-2 shift। अब यहाँ पे हमारी शिफ्टिंग हो किसकी रही है, मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग है। देखिए यहाँ पे क्या CH3 है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-2 यहाँ पे किसकी है, CH3 की शिफ्टिंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट रीअरेंजमेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो ग्रुप है वो अब कहाँ जाएगा, इस वाली फॉर्मेशन यहाँ पे अटैच होगा। देखिए अगर नॉर्मल आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस ग्रुप को मैं इस टाइप से कैसे यहाँ पे कर रही हूँ, देखिए यहाँ पे आएगा ये वाला ग्रुप, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा ऐसे, तो आप देखिए यहाँ से अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें, नॉर्मल है सी का और CH3 का, यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये यहाँ पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव के साथ यहाँ पे अटैच होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव ने क्या कर लिया है, बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली है, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो चुका है, हमारे दूसरे वाले कार्बन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। हमने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप को स्टेबल बनाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया, अगर प्राइमरी बना रहा है तो वो सेकेंडरी बनाएगा, और अगर सेकेंडरी में कन्वर्ट हो चुका है तो वो टर्शरी में कन्वर्ट होगा, क्योंकि अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल बनाएगा दूसरे से ग्रुप को लेके। ठीक है, तो यहाँ से इसने क्या किया है, अपनी तरफ ग्रुप को ट्रांसफर किया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन चुका है, कि यहाँ पे क्या है हमारा CH3, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट इसने क्या कर लिया, यहाँ पे CH3 जो हमारा ग्रुप माइग्रेट हुआ था वो वाला, यहाँ पे क्या है हमारा H, और यहाँ पे क्या हो चुका है CH3। तो इसका मतलब अब हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है, कि वो किस टाइप से अब होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, कि जो हमारा यहाँ पे एच प्रेजेंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और एच पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अगर ये यहाँ से एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकला, क्यों निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये यहाँ से एच पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, बॉन्ड की फॉर्मेशन, मीन्स डबल बॉन्ड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, एच पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो चुकी है, हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हमारा यहाँ पे CH3 और ये हमारा यहाँ पे CH3। तो जो हमने रिएक्शन में किया था वो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो एसिड है वो हमें एच पॉजिटिव आयन देगा। फिर उसके बाद जो हमारा वाटर है वो यहाँ से लीव करेगा, क्योंकि वहां से क्या बन चुका है, ऑक्सीजनियम आयन। वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देगा। अब वहां पे हमें देखना है कि वो किस ग्रुप को वहां से माइग्रेशन जो है वो शो करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे अनस्टेबल से स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे इस टाइप से होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट है, एच पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से रिमूव होगा, जिससे हमारे यहाँ से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोई भी और एग्जाम्पल अगर हम लेके चले यहाँ पे, तो वो किस टाइप से होने वाला है। अगर आपको डायरेक्ट रिएक्शन करनी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वो किस टाइप से करनी है। देखिए अगर इस टाइप से हमारा कोई और ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, कि हमारा यहाँ पे मैंने इस टाइप से ग्रुप प्रेजेंट है हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, इसके कार्बन के 4 होने चाहिए, 1-2-3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2। तो यहाँ पे किस टाइप से हमारा प्रोडक्ट है, अगर इसको मैं सही लिखूं तो किस टाइप से लिखा जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। ये हमारा एक अलग टाइप का ग्रुप मैंने ले लिया, जो हमारा एल्कोहल। यहाँ पे ये क्या करेगा, अब H पॉजिटिव आयन हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से इस पे अटैक करेगा। वही सेम बात की हमारा यहाँ पे क्या बन चुका है, अब यहाँ पे ये हमारा CH3, ये हमारा CH3, और अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा H2O यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ पे H, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ये केस आए कि यहाँ पे एक पे CH3 और एक पे H प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको वहां पे क्या करना है, वहां पे भी आपको CH3 को ही माइग्रेट करवाना है, क्योंकि उसी से ही हमारा क्या होगा, जो हमारा मोस्ट स्टेबल स्टेट होगी कार्बोकेटाइन की, वो ही वहां पे आने वाली है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब ये क्या करेगा, जो हमारा ऑक्सीजनियम आयन बना है वो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगी, तो यहाँ से क्या होगा, H2O यहाँ से बाहर निकलेगा,
तो आप देखिए यहाँ पे क्या किसकी कार्बोकेटायन जनरेट हो चुका है, यहाँ पे CH3 ये हमारा CH3, यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, ये हमारा H और यहाँ पे H। अब नेक्स्ट हमारा करना क्या है, डायरेक्ट आपको इस वाले ग्रुप को यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 1-2 शिफ्ट शो करेगा क्या किसकी मिथाइल की। तो अब कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है हमारा इस वाले पे, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे हमारा CH3। तो हमारे इस टाइप के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं है, इस H को यहाँ से AH पॉजिटिव की फॉर्म में ये बाहर निकलेगा और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो आपको डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करनी है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है CH3, ये हमारा यहाँ पे H। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, इस टाइप की आप फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इस टाइप की फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात आएगी अब कि एक मिनट, यहाँ से क्या हो चुका है हमारा H जो है वो बाहर निकल चुका था, ये H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या है ये हमारी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे और कोई भी आप एग्जाम्पल लोगे तो उसमें आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपके जो कार्बोकेटायन वहां पे बन रहा है, जो हमारा कार्बोनियम आयन जो हमारा बन रहा है, वो वहां पे आपको मोस्ट स्टेबल ही बनाना है। उसको आप जो भी वहां से मोस्ट स्टेबल बनाएगा उसी को वहां से आपको माइग्रेट ही करवाना है, ताकि आपकी वो स्टेट वहां पे बन जाए। कि आपको अगर प्राइमरी वहां पे है तो आपको सेकेंडरी की फॉर्मेशन करनी है, अगर सेकेंडरी है तो आपको टर्शरी की फॉर्मेशन करनी है। इससे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। आई होप इतना सब कुछ आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।